अरे क्या क्या हो करने रहा जा है रहे हो देखो आप, ये क्या कर रहे हो, ये भाई। कपड़े किसने गीले नानी किए यहाँ नानी आज से, वहाँ सोई नहीं रही किसने है। गीले किए? इसने दो हैंगर वहाँ पे और डाले ये हैं, छोटे वाला देख अपने लो, डैडी डाला है, और ये ये इन्हीं वाला काम बेचारा कर रही जा है, नहीं आज रहा है पूरा काम अंदर। गौरी करने वाली जगह है घर कम का। पड़ गई मैं उसके कुछ नहीं लिए। करूंगी, मैं वैसे भी अब घर की देख रही है सफाई वो कि करती कैसे रहूंगी, डालना मैं है नहीं क्या कर रहा है करना मेरा, है। है ना गौरी? और आप ही रात करती का हो ना भी सब 12 बजने कुछ। वाले हैं, देख थोड़ा टाइम देखो दिखाऊं लगाओ मैं भाई आपको यहाँ पे काम अंदर। करने, सारी बैट गीली कर दी है, 12 बज चुके। दीवार ये देखो, अब फ्लोर भी हाँ 12 धुलेगा ना फ्लोर हो गए नीचे हैं, से, चौदह पानी नहीं है। अब उसमें खत्म हो चुका है बेटा, अब नहीं दूंगा मैं, कंघी नहीं सब करा कुछ रही हूँ। देखो पीछे, कंघी बस मत करो उसको बस हटाओ, मेरी, मैं काके ऐसे को हटाओ घूमता वहां रहूंगा। से, उसको दल दो रहा है, हटाओ। गौरी सुनो, क्या कर रहे हो आप, ये काका खत्म हो चुका है पानी उसमें, काका पानी खत्म हो गया तो रोने वाली बात क्या है इसमें? बेटा वो नहीं जाएगा। हाँ इधर देखो, लाओ मैं मम दे देती हूँ, लाओ लाओ देना मेरे को, मम दे देती हूँ मैं बेटा को, लाओ हेलो, वेलकम बैक टू माय दे दो। चैनल। कैसे हैं आप लोग? और गौरी यहाँ पर बड़े मज़े से काम कर रही है। ये मैंने टी ना शर्ट छोटी वगैरह कर हैंगर दूँ, में लगाई थी, जो कि वो बहुत अच्छे से लगाने लग रही है। अब तो खत्म हो गया, चलो अब निन्नी करने चलो, निन्नी नहीं करनी, नो गौरी डोंट डू इट बेटा, ना ना ना, ओ चलो बाय बोलो, चलो चलो अब निन्नू करते हैं आप, चलो मैं पापा को बोलूंगी, फिर आपके पापा को फोन कर दूंगा मैं। इधर आओ, गुस्सा क्यों आ रहा है, इधर सुनो। अच्छा ये लो वो मम, मेरे पास में देखो बड़ी वाली बॉटल है, ओ ओ गिरना नहीं है। देख काका क्या कर रहा है आपका, अच्छा चलो लाइटें बंद करो, चलो काका को नहला रही हूँ। काकू नहाएगा आपका, काकू नहाएगा, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और गौरी यहाँ पर खेल रही है। मुझे बेड पे चादर बिछानी थी, लेकिन गौरी यहाँ पर नहीं बिछाने देती है, तो मैं बाहर किसी काम से चली गई थी। और उसके बाद में जब आई तो ये खड़ी हुई थी, और ये बेड पर आजकल ना खड़े होकर चलती हैं, किनारे पर आ जाती है बिल्कुल, जिससे मुझे डर लगता है। और हमेशा मुझे इस बेड पर चादर बिछाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये एक सिंगल गद्दा है, और अभी ये काम करने के बाद में मुझे और काम करना है। तो सुबह सुबह ही आज मैंने व्लॉग शुरू किया, इवन 2 दिन का व्लॉग है ये, मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो आजकल, कुछ तो मन ही नहीं कर रहा है, और कुछ टाइम नहीं लग पा रहा है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि तन्नू भी नहीं है, अकेले पूरा मैनेज करना होता है। और यहाँ पर चादर मैं ना गांठ लगा करके बिछाती हूँ, आज दोनों तरफ से चढ़ के बिछा रही हूँ। अदरवाइज मैं ना क्या करती जाती हूँ, गांठ को चारों तरफ इलजा देती हूँ, जो गीठा लगाती हूँ उसके अंदर, और उससे ना बड़े आराम से चादर बिछ जाती है, अगर टाइम बचाना है तो, क्योंकि वरना बहुत देर लग जाती है अगर दूसरे तरीके से मैं चादर बिछाती हूँ तो। यहाँ पर मैं गौरी को प्यार करने लग गई थी, और गौरी को चादर बिछवाने में बहुत मज़ा आता है। मैं गौरी को नीचे भी नहीं छोड़ती हूँ चींटियों की वजह से, हालांकि अब पहले से कम है, लेकिन फिर भी डर लगता है, तो इसलिए वो चादर बिछवाती रहती है साथ में ही, और मैं अपना काम करती रहती हूँ, तो वो चादर के ऊपर ही बैठ गई है। अच्छा लगता है उसको भी इस तरीके से करना, और मेरा भी यार अच्छे से टाइम निकल जाता है गौरी के साथ में, पूरा दिन अच्छे से हम दोनों बिता लेते हैं। और ये तो दुकान चले ही जाते हैं, तो आजकल बस मेरे थोड़े बहुत जो ऑर्डर आ रहे हैं कपड़ों के, वो मेरा काम हो जाता है साथ में, घर का काम हो जाता है, गौरी का काम हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि खाली रहते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे के साथ में तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा काम होता है, बच्चे को खाना खिलाना है, हर वक्त गर्म बनाना होता है गौरी के लिए, मुझे कुछ भी बनाना होता है साथ के साथ बना करके उसे खिलाना होता है, और ध्यान रखना पड़ता है कुछ मैं ऐसा ना खिलाऊं उसको। और बच्चे की कभी पॉटी है, कभी शूशू है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कभी 2 बार हो जाता है, कभी 3 बार हो जाता है,
और मैं गौरी को शुशु अलग से कराने लेकर के जाती हूँ, तो हर 20 मिनट में मेरे को भागना पड़ता है कि चलो गौरी शुशु करके आते, क्योंकि मैं पूरा दिन डायपर यूज नहीं करती हूँ। गौरी को बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है पूरा डायपर यूज करने में। तो यहाँ पर बस चादर बिछ चुकी है, अब चलिए किचन में। मैं मतलब वो वाला काम ख़त्म करने के बाद में नहा धो करके किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैं अरवी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ आज। तो अरवी मैंने उबाल ली थी, और उबालने के बाद में मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और हाँ, मेरे को बोला जा रहा है कि आपके दोनों हाथ बिल्कुल खाली रहते हैं, तो मेरा जो प्रेगनेंसी वाला दर्द है गौरी के होने के टाइम पे जब हुआ था, वो दोबारा से चालू हो गया है। तो मेरे हाथ में बहुत दिक्कत रहने लग गई है। दूसरे वाले में एक में मेरी बोन्स में प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से, और दूसरा हाथ में दर्द, तो दोनों में मैं कुछ नहीं डाल पाती हूँ। मेरे को भी खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी है यहाँ पर कि मुझे ये सब हटाना पड़ रहा है। तो प्याज मैंने यहाँ पर ली है, और कढ़ाई जो है गरम होने के लिए रख दी है गैस पर। उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, सरसों के तेल से अच्छे से बन जाती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और तेल गरम हो चुका है, यहाँ पर हींग मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लहसुन लिया हुआ है मैंने थोड़ा, और प्याज ली हुई है, प्याज को मैंने काट लिया है। तो अजवाइन में बनाती हूँ मैं अरवी, उसमें अच्छा टेस्ट होता है, और जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती है, क्योंकि अरवी को बोलते हैं कि इससे गैस ज़्यादा बनती है। हरी मिर्ची दो डाल दी हैं, और इसके बाद में जब मिर्ची भून जाएंगी तो प्याज डाल दूँगी मैं इसके अंदर। प्याज में डाल चुकी हूँ। अब टमाटर मैंने थोड़े मोटे काटे हुए थे वो डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा नमक डाल करके इसको चलाऊंगी, क्योंकि नमक से जल्दी से टमाटर पक जाते हैं। हालांकि गौरी को मैं ये मिर्ची वाली सब्ज़ी नहीं देती हूँ, बहुत रेयर होता है, वो खाती है ये, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं उसे, उसके लिए अलग से मुझे बनाना होता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हल्दी धनिया ये सब मैं डाल चुकी हूँ इसके अंदर, और मिर्ची डाल दी है मैंने। लाल मिर्ची कम डाली है क्योंकि हरी मिर्ची डाली हुई है, और इस तरीके से इसको चला देना है। चलाने के बाद में मैं इसको जब तक ये पक नहीं जाएगा तब तक चलाऊंगी। और इसमें मैंने डाली है एक चम्मच दही, दही से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर ये इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है ग्रेवी ने, जब तक तेल नहीं छोड़ती है तब तक सब्ज़ी कच्ची रहती है। और देखिए किस तरीके से ये पक रहा है, और कलर भी इसमें अच्छा आ चुका है। अब जो अरवी मैंने उबाल करके काट के रखी हुई थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो इसको भी अच्छे से चला दूंगी ताकि मसाला जो है सारी सब्जी में मिक्स हो जाए, और उसके बाद में मैं करूंगी यहाँ पर पानी डालूंगी इसमें। बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा तरी वाला भी नहीं बनाना है, नॉर्मल रखना है। तो पानी मैंने डाल दिया है, क्योंकि अभी ये जब तक पकेगी इसका पानी और कम हो जाएगा, तो मीडियम जैसा रखना है मुझे इसमें। पानी मैंने डाल दिया है, और जो हल्की हल्की मुझे अभी अरवी थोड़ा सा कच्ची लग रही है वो इसमें पक जाएगी। तो प्लेट ढक करके मैंने इसमें रख दिया है इसको, और अब मेरी खाना बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं बनाऊँगी रोटियाँ इसके साथ में। दोपहर के टाइम में वैसे भी रोटी या चावल ही अच्छे लगते हैं। और सब्ज़ी देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। हरा धनिया तो मेरे पास में है नहीं, इसलिए अब मैंने इसमें लास्ट में कसूरी मेथी डाली है, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती है, और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है सब्जी में। तो सब्जी और रोटी मेरी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है, अब हम खाएंगे खाना। और बाकी बहुत टेस्टी बनी थी आज की सब्जी, खा करके मज़ा आ गया था। इन्होंने भी काफ़ी सारी सब्जी खाई थी, और सब्जी वैसे भी मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। अभी हम दो चने हैं लेकिन सब्जियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पर। और इसके बाद में अब शाम का टाइम आ चुका है, मतलब तीन दिन का व्लॉग है, आप बिलीव नहीं करेंगे, तीन दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं लाइटें ऑन कर रही हूँ, गौरी को सुलाया है मैंने ज़बरदस्ती। गौरी मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं सोती है, आज उसको बहुत ज़बरदस्ती सुलाया है, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा था यार। जब सोती है मैं उसके बराबर में लेटी रहती हूँ, कुछ काम ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो टी शर्ट्स वगैरह मैंने धुली थी वो सब मेरे को हैंगर में डालनी है। बारिश थी तो बारिश की वजह से ढंग से सूख भी नहीं पाई हैं ये, मैं इनको हैंगर में करके रख दूँगी ताकि कल धूप निकलेगी तो साथ के साथ मैं हैंगर बाहर रख दूँगी और उन पर धूप लग जाएगी और फिर सीधे ये अलमीरा में चली जाएंगी। तो मैं दूसरे कमरे से हैंगर लेने के लिए चली गई थी, और वीडियो चल रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा, तो अब मैं एडिट करने बैठी तब देखा मैंने।
तो हैंगर में लेकर के आ गई हूँ और सारी टी शर्ट्स जो हैं सीधी करके उसमें डाल दूँगी। कुछ मैं उल्टी भी टांग देती हूँ, डिपेंड करते कि टाइम कितना मिल रहा है काम करने का। आप बोलेंगे कि कितना बिजी रहती है, तो हाँ जी बिजी, बच्चे के साथ में मैं बोल रही हूँ ना, पहले मुझे बहुत टाइम मिल जाता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं मिल पाता है। और तनु होती तो शायद बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है मेरी, लेकिन फिर भी मैनेज हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, हो रहा है। और यहाँ पर सारे कपड़े हो चुके हैं, और जो यार मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। आजकल वैसे भी मेरे नोटिफिकेशन तो पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितने लोगों के पास पहुँच रहे हैं उतना मुझे अच्छा लग रहा है, वो लोग प्यार दे रहे हैं इंस्टा पे भी और साथ में मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी। तो अब ये जो कुर्तीज़ के कपड़े मैंने वीडियो बनाई हुई थी ना, वो भी मुझे समेटने थे, तो ये मैं उठा करके फोल्ड करके पन्नी में रख दूँगी, जैसे कि आए थे वैसे ही। अब इतना सारा मुझे दुकान से घर मंगाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार, घर से दुकान, दुकान से घर, इनकी रेल बन जाती है, फिर मैं पति की रेल बना करके रखती हूँ। क्या करूँ यार, इनको मदद करनी पड़ती है तभी काम हो पाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए, सेफ्टी से रहिए। गौरी भी बाय कर रही है आपको।